नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं असल दस्तक दो बड़ी खबरें हैं पहली खबर आपको बता दूं कि कंगना रनावत को लेकर है जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराया गया मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा क्योंकि जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वो संविधान जलाने वाले को ही बचाते हैं और अगर आप मुसलमान हैं दलित हैं पिछड़ा हैं पत्रकार हैं या आपने कुछ लिख दिया बोल दिया तो आपको हिरासत में लिया जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा लेकिन अगर आप बीजेपी समर्थक हैं आर समर्थक हैं और आप संविधान के खिलाफ भी बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि लॉकडाउन की वजह से किस तरह से लोग की कमर टूट गई लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही ये भी खबर बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले किस तरह से ये वीडियो देखिए छिबरा मोई की वीडियो है जिसमें यूपी पुलिस के लोग एक समाजवादी पार्टी के जो शख्स थे वो समर्थित जो थे वो सपा प्रत्याशी नामांकन करना चाहते थे लेकिन पुलिस के दम पर उनको नामांकन नहीं करने दिया गया तो देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है किस तरह से तोड़ फोड़ रहा है हो रहा है और जूही सिंह ने इस दोनों वीडियो को शेयर किया तो समझिए कि डेमोक्रेसी लगभग हाशिए पर है और यूपी में सोचिए अखिलेश यादव हो या मायावती हो जब तक ये लोग घरों से नहीं निकलेंगे संजय सिंह जब निकल रहे थे तो उन पर लगभग नौ एफ दर्ज किए गए हैं पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है तो सीधा सीधा पुलिस की गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है ये बात आपको समझना पड़ेगा और किस तरह से लगातार सुशांत सिंह को लेकर देखिए किस तरह से बिहार में ये देखिए किसी ने डेटा दिया है द न्यू इंडिया क्रेडिट ये देखिए डिबेट्स ऑन कोरोना जीरो डिबेट ऑन एटीन पॉइंट नाइन मिलियन जॉब लॉस जीरो डिबे ढाई करोड़ नौकरियां जाने पर कोई डिबेट debate नहीं डिबेट्स ऑन रेप्स एंड मर्डर इन यूपी जीरो नब्बे डिबेट सुशांत सिंह पर किए गए तो सुशांत सिंह को जिंदा रखने की पूरी कोशिश है चूंकि बिहार में चुनाव है और इसीलिए विनोद कापड़ी ने लिखा है कि जब तक बिहार में चुनाव है तब तक सुशांत सिंह भोले रहेंगे सुशांत सिंह पर बहस होगी और जैसे ही बिहार में चुनाव निकल जाएगा उसके बाद बंगाल का चुनाव होगा तब रिया चक्रवर्ती के पक्ष में भी चीज़ें होंगी और इसी को लेकर सुमेर सिंह है एक रायठौर है उन्होंने बहुत शानदार लोगो बनाया है सुशांत तक ए सुशांत आर सुशांत न्यूज एटीन सुशांत तो ये तमाम चैनलों को इन्होंने कटघरे में किया है और कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई है तो ये साफ़ है कि लोग जो हैं पूरा खेल समझने लगे हैं अब सोचिए कि किस तरह से आ, आ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो बयान दिया है वो मैं बता रहा हूँ दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि ब्याज मोराटोरियम में ब्याज वसूली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है केंद्र सरकार से कहा आपके लॉकडाउन लगने से ही बढ़ा है आर्थिक संकट दरअसल मोराटोरियम मुर टो, का मतलब होता है कि आपको तकलीफ के समय में आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है लेकिन अब आरबीआई कह रही है कि आपको ब्याज एक मुफ्त देना पड़ेगा जो तीन चार महीने का लॉकडाउन रहा है उसके दौरान जो आपने आपकी आमदनी खत्म हो गई या आप कोई लेकिन अब देखिए क्या हुआ हम लोग लगातार बात कर रहे आपने स्कूल फी भी जमा किया है ऑनलाइन की वजह से आपने घर का ईएमआई भी दिया आपने अपना घर किराया भी दिया अब जो गाड़ी लोन पर है या घर लोन पर है ब्याज कह रही थी कि सरकार लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तुषार मेहता ने सरकारी वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे सरकार की छवि खराब हो अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने लॉकडाउन लगाया इसलिए तो लोग की आर्थिक स्थिति खराब हुई आज भी करीब करीब तिरपन हजार लोग अब तक मर चुके हैं तीस लाख से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं साठ हज़ार से कम तो किसी दिन कोरोना के पेशेंट नहीं आ रहे हैं लेकिन साहब जो हैं वो अभी मोर को दाना खिला रहे हैं लेकिन टेलीविजन अखबार में इस पर डिबेट नहीं हो रहा है और सोचिए कि आपको ब्याज अब भरना पड़ेगा एक मुश्त तीन चार महीने जो आपने अगर नहीं दिया है अपना ई तो आपको एक मुश्त ब्याज भरना पड़ेगा इसलिए अब बताइए बीस लाख करोड़ कहाँ चला गया हमें तो पता था सबको पैसे मिल रहे हैं तो इस पर और कंगना रनावत के खिलाफ हरियाणा में सतपाल तंवर ने को केस दर्ज कराया तो सोचिए कि इस देश में कुछ नहीं होगा कंगना रनावत को मैं जानता हूँ अगर यही शंभू कुमार सिंह या प्रशांत कनौजिया या किसी भी ऐसे लोग जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं जो जो भक्त से नहीं सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं जो पीएम पर निशाना साध रहे हैं जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं जो बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं भुखमरी पर सवाल पूछ रहे हैं अगर वो सवाल पूछे और आपके खिलाफ बीजेपी शासित राज्य में कहीं केस दर्ज करा दिया जाए तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा कर लिया जाएगा तो समझिए किस तरह के हालात हैं देश में और आपको समझना चाहिए और यूपी का तो पूछिए मत कि क्या हालात हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंगना रनावत को कुछ नहीं होगा बहुजन समाज के लोग जरूर एयरक्राफ्ट में उड़ेंगे सीएम शिवराज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मंगवाया था प्लेन मंगवाया है उनके लिए बहुत महंगी प्लेन आ रही है प्रधानमंत्री शिवराज जो हैं उन्होंने भी अपने लिए प्ले, 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 प्लेन मंगवाया है इसको लेकर जो है लोग जो हैं वो कह रहे हैं और मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर ये सब अखबार पूछा जाता है लेकिन टीवी अखबार को देखिए नब्बे से ज़्यादा मैं तो देखता भी नहीं हूँ नब्बे से ज़्यादा डिबेट सुशांत सिन्हा पर है आपको क्या लगता है सुशांत सिन्हा की न्याय दिलाने की बात है दरअसल ये उद्धव ठाकरे को घेरा जा रहा है और उद्धव ठाकरे के बहाने चूँकि वहाँ कांग्रेस और एन और उद्धव ठाकरे की सरकार है निशाना बिहार भी, है बिहार में चुनाव होने वाला है लेकिन सोचिए वहाँ सात दलितों पर हमला करते हैं लोग अपर कास्ट के लोग लेकिन तेजस्वी यादव मुंह नहीं खोल रहे हैं वहाँ भी सुशांत सिंह को लेकर सबकी पप्पू यादव हो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव सब लोग बयान दे रहे हैं सुशांत सिंह को लेकर इन लोगों को लगता है कि राजपूत वोट इनके पाले में आ जाएगा ऐसा है नहीं सवर्ण समाज के लोग अभी बीजेपी को वोट देंगे मैं बार बार आप लोग को वोट की राजनीति समझाता हूँ कि मुस्लिम जो है इस देश में वो सबको वोट देता है बिसाइड द बीजेपी सारे ममता बनर्जी को भी देता है नीतीश जी को भी देता है लालू जी को भी देता है मायावती को भी देता है अखिलेश को होता है इस देश में मुसलमान की पार्टी को कोई तब तक वोट नहीं देता है सी एस जनरल जब तक उसके साथ गठबंधन ना हो लेकिन मुस्लिम सारे पार्टी को वोट देता है उसी तरह से दलित समाज जो है वो सबको वोट देता है वो बीजेपी को भी देता है वो ममता को भी देता है नवीन पटनायक को भी देता है वो कांग्रेस को भी देता है लेकिन किसी भी शेड्यूल कास्ट को ओ और जनरल के लोग तब तक वोट नहीं देते हैं जब तक तो उसका गठबंधन न हो ट्राइबल भी सबको वोट देता है लेकिन किसी भी ट्राइबल पार्टी को एस ओबीसी और जनरल के लोग तब तक वोट नहीं देते हैं जब तक उसके साथ गठबंधन न हो उसी तरह से ओबीसी के लोग सबको वोट देते हैं कांग्रेस बीजेपी तमाम लोगों को लेकिन उसका भी उसको भी सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं देते हैं जब तक उसका गठबंधन ना हो तो ये इतनी सी मैथमेटिक्स अगर अखिलेश मायावती और तेजस्वी यादव को नहीं समझ में आ रहा है अगर उनको लगता है कि राम परशुराम हिंदू धर्म और सुशांत सिन्हा को लेकर अगर उनके खाते में जनरल वोट चला जाएगा तो मुझे लगता है अभी बहुत मुश्किल अभी बीजेपी जो है वो सीधा सीधा एकमात्र दुकान है जनरल समाज जनरल कैटेगरी के लोगों को जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आरक्षण मिल रहा है जिनको ये बताया जा रहा है कि एस सी एस माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म करेंगे जिनको ये बताया जा रहा है कि आप मियाँ को मुसलमान को टाइट रखेंगे निजीकरण कर रहे हैं तो आरक्षण खत्म करना और मुसलमानों पर सख्ती करना इन दो वजहों से अभी बीजेपी के पास ही उनका वोट रहेगा जो रवैया इन लोगों का है उससे लगता है कि एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के भी वोट खसक रहे हैं और उसमें रावण को फायदा होता दिख रहा है तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था लेकिन मीडिया को लेकर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बिहार में लगातार यूपी और बिहार में क्राइम जो है मध्य प्रदेश में जो क्राइम है वो अपने चरम पर है लेकिन मीडिया इस पर आपको बात नहीं करेगी बताएगी नहीं उसको उसी खबर को दिखानी है जिससे सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हो तो बिहार में चुनाव है और मामला कांग्रेस का फंसा हुआ है बिहार में चुनाव है सुशांत सिंह को लेकर सिंपथी है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम एस सी एस माइनॉरिटी के लोग भी सुशांत सिंह के साथ हैं उनकी मौत की जांच होनी चाहिए इसमें कोई दो मत लेकिन सोचिए उसी देश में डेल्टा मेघवाल आपकी डॉक्टर मारी जाती है आपको चिंता नहीं है रोहित बेमूला को मार दिया जाता है आपको चिंता नहीं है प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है आपको चिंता नहीं तो एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान है रोज़ मरेंगे आप पर कोई बहस नहीं होगी और ये समाज भी खड़ा नहीं होता लेकिन हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक सांसें चल रही है हम अपने समाज की बात करेंगे क्योंकि हमने बाबा साहब की वजह से पढ़ाई लिखाई की है और जब तक बाबा साहब के विचार हम को हम मानते हैं तब तक तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग लगातार बहुजन समाज की आवाज़ उठाते रहेंगे चाहे उसकी जितनी कीमत चुकानी पड़े क्योंकि आज हमें बोलने की ताकत है हमारे शरीर पर कपड़ा है पढ़ाई लिखा है तो वो फूले प्रियार अम्बेडकर रामस्वरूप वर्मा प्रियार ललित सिंह यादव जगदेव बाबू सम्राट अशोक से लेकर बुद्ध से लेकर कबीर रविदास इन्हीं लोगों के संघर्ष की वजह से तो हम लोग को पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए और ये वो बड़ी खबरें हैं नीट को लेकर लगातार बहस हो रही है लेकिन नीट को लेकर विरोध तो सोचिए एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के मुद्दे पर इस देश में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं वही यूपी में कोरोना के बढ़ते केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई कोर्ट ने लॉकडाउन का सुझाव दिया लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी बरेली गोरखपुर झांसी कोरोना के बढ़ते मामले पर जताई शक्ति अट्ठाईस अगस्त को चीफ सेक्रेटरी को एक्शन प्लान तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सोचिए पुलिसकर्मी इटावा के में इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर जाति की वजह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया विजय प्रताप बौद्ध हैं वरिष्ठ पुलिस उप अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा मुझे चमार जाति का जानकर लगातार मानसिक शोषण एवं उत्पीड़न किया जा रहा है विजय प्रताप बौद्ध हैं इन पर केस भी दर्ज कर दिया गया है तो सोचिए किस तरह से एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटी के लोग हैं आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाइए आप पुलिस दरोगा बन जाइए जाति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती और इस तरह की खबरों के साथ न्याय भी नहीं होता है क्योंकि इस पर न तो टीवी बोलेगा ना अखबार बोलेगा न सोशल मीडिया पर अभिशार बोलेंगे न रवीश बोलेंगे क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है वो कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस करेंगे लेकिन जो आपके खबरें हैं जो आपके लोगों का प्रताड़ना है उस पर न तो अजीत अंजुम बोलेंगे नविसार बोलेंगे न रवीश बोलेंगे और ना ही साक्षी जोशी बोलेंगे उसके लिए तो आपको बहुजन समाज को ही मानना पड़ेगा और संत नारायणा गुरु जी को उनके जन्म दिवस पर नमन आज संत श्री नारायणा गुरु जी का जन्मदिन है सोचिए दक्षिण भारत में किस तरह से उन्होंने बहुजन आंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन को चलाया और हम सब उनको नमन करते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए ये मुकदमा लिखा गया है मेरे खिलाफ़ विजय प्रताप बौद्ध जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ तनकर खड़ा हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है तो यूपी में तो अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है अगर वो एस सी एस सी और माइनॉरिटी के हैं तो आप लोग की इन तमाम खबरों पर क्या प्रतिक्रिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा से आकाश तुमर द्वारा शोषण उत्पीड़न संबंधी दस्तावेज उन्होंने शिकायत किया था उसके बाद से ही उन पर केस दर्ज किया जा रहा है अब वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं विजय प्रताप बौद्ध हैं ये पुलिस अधिकारी थे और इनको लगातार जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है लेकिन इसके बारे में कोई टीवी वी अखबार या कोई सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज का आदमी बात नहीं करेगा ये बात बहुजन समाज के लोगों को ही करना चाहिए और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है तो आप लोग की क्या रहा है अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए और लगातार दिलीप मंडल का जो है वो अकाउंट ट्विटर इंडिया ने रिस्पॉन्स नहीं आया उनको सस्पेंड कर दिया है मैं अपने फेसबुक अकाउंट को पर खबरें शेयर नहीं कर सकता तो ये लगातार चलता रहेगा अब तो साफ़ हो गया कि सोशल मीडिया पर भी कब्जा जमाने की कोशिश है और आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह के हालात हैं हो सकता है कि अगली बार ये जितने एस सी एस टी ओ बी माइनॉरिटी के नेता है जिनको लगता है कंफर्ट जोन में है हो सकता है बीजेपी इनको चुनाव भी न लड़ने दे यूपी के, की जो रुझान आ रहे हैं जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने उनके कैंडिडेट को पर्चा नहीं भरने दिया तो आगे अगर ये लोग नहीं एकजुट होकर बोलेंगे तो इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें